बिना डांडिया सेलिब्रेशन के नवरात्र कहीं ना कहीं अधूरे रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर डांडिया का बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। आपको बता दूं पीतमपुरा क्वींस के द्वारा ये डांडिया सेलिब्रेशन आयोजित करवाने वाले हैं, जिसमें हम कुछ जजेस से बात करेंगे और आपको वो सुनाएंगे कि किस तरीके का ये पूरा प्रोग्राम होने वाला है। तो बनी रही हमारी वीडियो के साथ। तो मैम आपका नाम और क्या कुछ ये प्रोग्राम होने वाला? Hi, I am Kirti Sarna. I am owner at Diamond Palace Jewelers. So I am here as guest of honor. Basically, we are doing here is a Dandiya celebration from Pitampura, Queens. So it's a celebration for ladies. तो मैम आप यहाँ पर एज अ जज बनकर आए हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर आई हूँ। यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं जिन्हें आप जज करेंगे? यहाँ पे फैशन शो होने वाला है, यहाँ पे डांडिया सेलिब्रेशन होने वाली है, देर विल बी अ फैशन शो, वो सब कुछ, डांस कॉम्पिटिशन। क्या पैरामीटर्स रहेंगे जब आप उन्हें चेक करेंगे, ढिलाई कुछ बढ़ते? देखिए यहाँ पे चार जज हैं, मेरे अलावा यहाँ पे तीन और जज भी हैं, तो सबकी सेटिस्फेक्शन से जो बेस्ट होगा ऑब्वियसली विन, पक्षपात ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई पक्षपात नहीं होगा। मैम आप क्या कुछ कहेंगी किस प्रोग्राम के बारे में? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है पीतमपुरा क्वींस क्लब की तरफ से। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये इवेंट ऑर्गेनाइज करा एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी हियर। एंड आई थिंक इवेंट बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ग्रेट जाएगा, जितने एफर्ट्स सारे ऑर्गेनाइजर्स ने डाले हैं, रितु ने, डिम्पल ने, हिना, सुषमा, सब ने, ये सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, और बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। पहली बार यहाँ पर इस तरीके का प्रोग्राम हो रहे हैं, होते रहे? ये वाला फर्स्ट इवेंट है जो इस क्लब ने ऑर्गेनाइज करा है एंड आई थिंक ये फर्स्ट और ग्रेट इवेंट होगा, आई एम होपिंग सो। रैंप वॉक होगी यहाँ पे, फैशन से रिलेटेड होगा, तो क्या पैरामीटर्स रहेंगे जो आप चेक करें? देखिए ओवरऑल सारी चीजें ही, पैरामीटर्स तो सारे ही होंगे, जो कॉन्फिडेंस है, जो स्टाइल है, जो आउटफिट है, मतलब सारे पैरामीटर्स रहेंगे, उस पर ही हम जज करेंगे, तो उसी हिसाब से वील जज। मैम क्या कुछ प्रोग्राम है? इट्स अ डांडिया सेलिब्रेशन, सो वी कम हियर टू जज द ब्यूटीज ओवर हियर, दोज हु विल परफॉर्म एंड वी हैव टू सी हाउ दे एनहांस देयर ब्यूटी, लाइक हाउ द वॉक दे वी यूज्ड टू डू, हाउ व्हाट काइंड ऑफ आउटफिट आर दे वेयरिंग, एवरीथिंग इज लाइक द कॉन्फिडेंस, द हाउ दे यूज्ड टू फील द कॉन्फिडेंस, व्हाट काइंड ऑफ वॉक आर दे डूइंग, वी विल जज ऑन दैट। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉन्फिडेंस रहने वाला। Confidence, everything matters. See, overall the judgment will go on. Like outfit, the walk and the way they used to come, the entry, everything. आप जज बने हैं तो आप भी इन सारे प्रोग्रामों में पहले भाग ले चुके होंगे? No, I am coming for the first time. Yeah. As a judge. Yeah. Otherwise, I am a professional makeup artist. Yeah, in Delhi. So yeah, I am in this industry. I've been from past 4 years. 4 years, yeah. So that's all. क्या पैरामीटर्स रहेंगे अगर कोई ढिलाई आप बरतेंगे, जैसा पहला जो इवेंट हो रहे थे? क्या कह रहे हो आप, कोई ढिलाई बरतेंगे या जब जो रैम वॉक करेंगे या कोई चीज होगी, गलती होगी तो माफ करेंगे पूरे नंबर का? See, the judgment is like it's a fair judgment. जो बेस्ट होगा we will deal according to that. तो उसके अकॉर्डिंग जजमेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मिस्टेक होगी तो हम उसमें कहेंगे कि नहीं, तो फेयर जजमेंट इज देयर। क्या क्या चीजें होने वाली हैं डांडिया सेलिब्रेशन के अलावा? रैंप वॉक भी होगी? रैंप वॉक भी होगी, डांडिया भी होगी और गेम्स भी होंगे। हाँ, फुल ऑफ फन रहेगा? फुल ऑफ फन रहेगा, फुल ऑफ फन एंड एंटरटेन रहेगा। तो आपको चौथे जज से मिलवाते हैं, मैम क्या कुछ प्रोग्राम में होने वाला? सो आई एम सो एक्साइटेड, द डांस शो, फैशन शो एंड ऑल द इवेंट्स, आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स आर लुक गोना, दे आर गोना लुक गॉर्जियस, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी देम एंड यस एंजॉय द फंक्शन एंड डेफिनेटली द रॉक द शो। पीतमपुरा क्वींस की तरफ से पहली बार ऐसा प्रोग्राम करवाया जा रहा है, होते रहते? आई थिंक होते रहते, बट आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम डैम एक्साइटेड, एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। सो आप मेरी एक्साइटमेंट लेवल देख सकते हो, मैं लेट भी आई हूँ, आई एम सो सॉरी बट आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर होने वाली, जैसा डांडिया सेलिब्रेशन नाम है? आई थिंक देर आर लॉट्स ऑफ गेम्स गोइंग टू बी देयर एंड यस फैशन शो, डांस शो एंड जहाँ लड़कियाँ होती हैं वहाँ धमाल तो होता ही है गाइस, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, फुल ऑफ फन होने वाला, फुल ऑफ फन एंड फुल ऑफ धमाल, ऑल गर्ल्स आर गोना रॉक। बाकी आप सब देख ही रहे हो, हलचल तो शुरू हो गई है, तो आई एम श्योर दे आर गोना रॉक। क्या कुछ प्रोग्राम आप करवाने वाले?
अभी जैसे आपने देखा, अभी हमने वेलकम किया है चीफ गेस्ट गेस्ट ऑफ ऑनर का, और लैंप लाइटनिंग वगैरह हुई है, और हमारे जो पीतमपुरा हम वी आर ऑर्गेनाइजर्स, हमारे मेंबर्स भी हैं, क्योंकि हमने किट्टी से स्टार्ट किया ये अपना सेटअप, तो हमारे मेंबर्स ने वेलकम किया है। अभी उन्होंने डांस परफॉर्मेंसेस थी, अब डांस कंपटीशन होगा, उसके बाद हमारी और एक्टिविटी फैशन शो है, हमारे डांडिया कोरियोग्राफर आए हुए हैं, वो प्रॉपर डांडिया और गरबा रास कराएंगे, और बहुत सारी गेम्स बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। हमने ये नहीं किया कि सिर्फ हमने जवान अपने उनके लिए, हमने बच्चों का को भी सोचा है, हमने सीनियर सिटीजन के लिए भी सोचा है कि हर कोई इंजॉय करे। स्टॉल्स लगे हैं, सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। अपनी तरफ से हमने बहुत मेहनत किया कि हमारा बेस्ट इवेंट, क्योंकि फर्स्ट इवेंट है, तो वी ट्राइड वेरी हार्ड। हाँ, ये कि मैम आपने बहुत जबरदस्त मेहनत करी है, क्या कहेंगे उस मेहनत? देखिए, मेहनत का तो ऐसा है, हमने इतना सोचा नहीं था इस सेटअप के लिए, लेकिन हम करते गए, वो होता चला गया। और कैसे होता है, वो ऊपर वाले की पावर हमें मिल रही है, वो पावर ही सबसे बड़ी मेन चीज है जो हमें ये एक्ट करने के लिए उत्साहित कर रही है। और हम सब ने बहुत ही उत्साह के साथ ये काम किया है, सब लोग देख ही रहे हैं कितना अच्छा हमारा सेटअप है, और सब सभी को बहुत पसंद आ रहा है। और इनकेस हम फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स अपने मेंबर्स को देंगे कि सब यहाँ से हैप्पी हो जाए, फुल फन मस्ती और धमाल का प्रोग्राम है। किटी पार्टी का ग्रुप बनाया था, तो लगता था कितना बड़ा इवेंट भी लेडीज मिलकर करना, कभी नहीं सोचा था, लेकिन एक छोटा सा क्लू माइंड में आया, उस क्लू से हम जो करते चले गए ना, और आज हम इस पोजीशन पे आए हैं कि हम इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। तो आप क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के? हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए, और हमने मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। सिर्फ एक किट्टी से, कुछ मेंबर्स से स्टार्ट हुआ, और हमने इतना बड़ा इवेंट आज हमने किया है। इसमें स्टॉल्स भी है, कॉम्पिटिशन्स है, फैशन शो है। तो परिवार अब कितना बड़ा हो गया? यानी बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं कैमरा घुमा के 200 पीपल ऑलमोस्ट। आप क्या कहेंगे? मैं तो सबके बारे में बोलूंगी जिन्होंने एक्चुअली यहाँ पे टाइम निकाला है, और ये लोग यहाँ पे आए हैं इतना इवेंट पे, हम पे ट्रस्ट करके, हमने इतना मेहनत करके इवेंट स्टार्ट किया था, छोटे से स्टार्ट किया था, 15 पीपल वी वर देयर, 15 से करते करते सबने अपने मेंबर्स और फ्रेंड्स फैमिली सब लोग आज यहाँ पर हैं, और इतना अच्छा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया उन लोगों ने, सबने बहुत हेल्प करी है, और इवेंट बस गाला आना चाहिए, और ऊपर वाले की मर्जी के बगैर। हमने ऐसा सोचा नहीं था, मुझे लग रहा है जो कुछ भी हुआ है बस उसने करवाया है। ये पीतमपुरा क्वींस जो नाम है वो आप चारों, यस पीतमपुरा क्वींस, यस हिना मुलचांदी, सुषमा मित्तल, डिंपल बजाज एंड आई मायसेल्फ ऋतु बजाज, हम चारों ने मिलकर भी ऑर्गेनाइजर्स, हमारे मेंबर्स 11 मेंबर्स है हमारे। थैंक